अमेरिका में चुनाव से पहले भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका दिया है। भारत ने बड़ा झटका देते हुए यह संदेश दे दिया है कि अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बनाकर अपने कोई भी हथियार भारत को बेच नहीं सकता, और इसी के तहत भारत ने अमेरिकी ड्रोन MQ-9 रीपर का सौदा करने से मना कर दिया है। दरअसल भारत अमेरिकी ड्रोन खरीदना चाहता है या नहीं, यह जाने बिना ही अमेरिका ने भारत को अपने ड्रोन बेचने की मंजूरी दे दी थी, और अमेरिका ने भारत के ऊपर ड्रोन खरीदने के लिए काफी दबाव भी बनाया था। और हाल ही में संपन्न हुए 2+2 वार्ता के दौरान भी अमेरिका ने भारत के ऊपर अपने ड्रोन और लड़ाकू जहाज F-18 सुपर हॉर्नेट को भी खरीदने के लिए काफी दबाव बनाया। लेकिन भारत ने एक ही झटके में अमेरिका के सारे दबाव को दरकिनार करते हुए फिलहाल अमेरिका से किसी भी तरह का ड्रोन या फिर लड़ाकू जहाजों का सौदा करने से मना कर दिया है। और चुनावी माहौल में डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारत का यह फैसला एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ अरबों डॉलर का सौदा करके चुनाव में इसका फायदा उठाने की तैयारी में थे, और चीन के खिलाफ भारत के साथ एक मजबूत विदेश नीति का उदाहरण पेश करना चाहते थे। लेकिन फिलहाल भारत ने इसे महंगा सौदा बताते हुए अमेरिकी ड्रोन MQ-9 रीपर को खरीदने की मंजूरी नहीं दी है। और भारत के इस फैसले के बाद अमेरिका की दिग्गज लॉकहीड मार्टिन और बोइंग कंपनियों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका की यह दोनों ही कंपनियां भारत को अपने पुराने लड़ाकू जहाजों की नई सजावट करके भारत को बेचना चाहते हैं। अब ऐसे में इन कंपनियों को इस बात की चिंता होने लगी है कि भारत ने जिस तरह से अमेरिकी ड्रोन खरीदने से मना कर दिया है, वैसे ही अमेरिकी लड़ाकू जहाज भी खरीदने से मना कर सकता है। हालांकि भारत के ऐसे फैसले के बाद अमेरिका के जानकार हैरान है, और उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि चीन से तनाव चरम पर होने के बाद भी भारत ने अमेरिका के साथ सौदा करने से मना कर दिया है। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट का मानना है कि भारत अमेरिकी चुनाव के बाद नई सरकार के साथ नए तरीके से सौदा करने की तैयारी में है। ऐसे में अमेरिकी जानकार चाहे जो भी कहें, लेकिन भारत ने अमेरिका को बहुत ही तगड़ा संदेश दिया है कि दबाव बनाकर न तो भारत को कोई हथियार खरीदने से रोक सकता है, और न ही दबाव बनाकर अमेरिका भारत को अपने हथियार बेच सकता है।